यहोशू अध्याय एक। यहोशू अध्याय एक। यहोशू का हिया बंधाया जाना। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इसराइलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं, जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दहने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रखना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी कि छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि तीन दिन के भीतर तुमको इस यर्दन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में ले लेने के लिए जाना है जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनुष्य के आधे गोत्रों के लोगों से कहा, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहे जो मूसा ने तुम्हें यर्दन के इसी पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो पांति बांधे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और उनकी सहायता करो, और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार के देश में जो यहोवा के दास मूसा ने यर्दन के इस पार के सूर्योदय की ओर तुम्हारे लिए दिया है लौटकर इसके अधिकारी होंगे। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरे भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों न हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको न माने तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हिया बांधे रहा।